NP24 न्यूज टीवी डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर सिरियारी थाना से। सिरियारी थाना पुलिस ने मलसा बावड़ी गांव में एक मकान में दबिश देकर वहां से 2 किलो 750 ग्राम गांजे के साथ 195 पौधे गांजे के बरामद किए हैं। आरोपी ने मकान में ही गांजे के पौधे उगा रखे थे। सोजत DSP बेरावर सिंह सोड़ा ने बताया कि पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत सभी थानाधिकारियों को कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। सिरियारी थानाधिकारी गीता सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के मलसा बावड़ी गांव में दलानाथ पुत्र नाथुराम के घर दबिश देकर तलाशी ली गई तो उसके पास 2 किलो 780 ग्राम गांजा मिला। वही मकान के पीछे वाले हिस्से में उसने 195 पौधे गांजे के उगा रखे थे। पुलिस ने गांजा और पौधे जब्त कर लिए, साथ ही आरोपी दलानाथ को गिरफ्तार कर लिया। सिरियारी थाना पुलिस ने मलसा बावड़ी गांव में एक मकान में दबिश देकर वहां से 2 किलो 750 ग्राम गांजे के साथ 195 पौधे गांजे के बरामद किए हैं। आरोपी ने मकान में ही गांजे के पौधे उगा रखे थे। सोजत DSP देवरावर सिंह सोढ़ा ने बताया कि पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत सभी थानाधिकारी को कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। सिरियारी थानाधिकारी गीता सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के मलसा बावड़ी गांव में दलानाथ पुत्र नाथुराम के घर दबिश देकर तलाशी ली गई तो उसके पास 2 किलो 780 ग्राम गांजा मिला। वहीं मकान के पीछे वाले हिस्से में उसने 195 पौधे गांजे के उगा रखे थे। पुलिस ने गांजा और पौधे जब्त कर लिए, साथ ही आरोपी दलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान स्टेट संवाददाता ईश्वर राज दमामी मांडा की रिपोर्ट।